ومنهم أي اليهودي यहूदियों का के कुछ गुरु पहले गुजर चुके थे। कौन गुजरा था? क्या श्रावण करते थे, तहरीफ करते थे, और ये समझने के बावजूद के ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की किताब है, गलती से गलती नहीं करते थे, जान बूझ कर तहरीफ करते। एक ग्रोह वो गुजर गया और दूसरा ग्रोह कल गुजरा, वो थे मुनाफिकीन, यहूद में से जो मुनाफिकीन थे, उनकी तस्वीर भी कल गुजर चुकी। अब अगला ग्रोह आ गया, तीसरा ग्रोह वो है उम्मीदों, जो अनपढ़ और जाहिर किस्म के लोग हैं, उम्मी हैं, ला क्या माना उम्मीद का, ला यालमून अलकिताब, किताब नहीं जानते, उम्मीद है, अनपढ़ जो है, तौरात के अंदर क्या लिखा हुआ है इसको नहीं जानते, इसको नहीं समझते, क्योंकि अनपढ़ है। एक ग्रोह ये भी है, उन्हीं के ग्रोह चल रहे हैं ना यहूदियों के, वो मेन हो आइए यहूदी, उन जमीर का मर्जा ध्यान करिए, यहूदियों में से एक ग्रोह ये भी है, उनका उम्मीदों, जो कि उम्मीदों है, क्या माना उम्मीदों, ला यालमून अलकिताब, किताब नहीं जानते हैं, और आपको जानते ही नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, जो अनपढ़ जो है, जाहिल जो है, उम्मीद से क्या मतलब, आम आवाम, अनपढ़, ला यालमून अलकिताब, किताब पढ़ना नहीं जानते, अंदर क्या लिखा हुआ है नहीं जानते, ला यालमून अलकिताब, अलिस्लाम दाखिल है या नहीं है, खास किताब मुराद है, कौन सी किताब मुराद, तौरात, और वैसे भी यहूदियों के लिए कौन सी किताब थी तौरात, वो भी करीना है, और यहाँ वैसे भी अल किताब, खास किताब मुराद है, ला यालमून अत्तौरात, ये माना तौरात को नहीं माना, पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है, इल्ला नहीं जानते, इल्ला लाकिन, इल्ला जो है इशारा कर दिया लाकिन के मामले में है, मैं इस्तेमाना बनाना, ये लाकिन के मामले में है, इस्तेदराक के लिए है, पहली बात नहीं कि दूसरी बात है, पहले से सुबह यहूदियों में से एक ग्रो उम्मी है, आवाम है, आम आवाम है, ला यालमून अलकिताब, किताब नहीं जानते, इल्ला लाकिन, लेकिन इल्ला किसके माने में, मदर के माने में नहीं, लेकिन के माने में, लाकिन के माने में, लेकिन किताब तो नहीं जानते, लेकिन क्या करते हैं, लाकिन अमानिया ए अकारीबा, उन्होंने झूठ बना लिए, इस कहां से झूठ लेकर आ गए हैं, अलको अच्छा जो इनको इनके बड़ों ने उलमा ने जो झूठ मूठ बातें बता दी है ना, ये उन्हीं को लिए बैठे हुए हैं, किताब को जानते ही नहीं है किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो किस्से कहानियां झूठ मूठ इनके बड़ों ने इनके उलमा ने इनको सिखला दिया है, उसी को लिए उसी को पकड़े हुए बैठे हुए हैं, उन झूठे किस्सों को, उन झूठी बातों को जो इनके उलमा ने इनको दी है, उसको पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, उसी के पर इन्होंने इतमाद कर लिए, एक ग्रोह ये भी है, ये उम्मीद नहीं जानते क्या लिखे हैं, और इन माँ ये इनके बाद माँ निकाल कर इशारा कर दिया, ये इन नाफिया है, ये इन शर्तिया नहीं, शर्त के माने में नहीं, इसलिए इसकी जजा तलाश करना, क्योंकि जजा आएगी ही नहीं, जजा तब आती जब इन शर्तिया होता, तो इन शर्तिया है ही नहीं, ये क्या है, माकिन नफी के मामले में, हमें कैसे पता चलेगा ये इन नाफिया है, इन शर्तिया है, करीने से, और करीना क्या है, वो इन जिसके बाद इल्ला आ जाए वो नफी के मामले में है,
शर्त के माने में नहीं, उसकी जगह नहीं है, ये नहीं के माने में, माँ के माने में। वह इन एमाहुन की जख दिन नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा इन्होंने जो झूठी बातें इनके उलमा ने इनको बतलाई है वो ही उसी के ऊपर एतमाद कर लिया है, उस झूठ के ऊपर पक्के हो गए हैं। तो यही सच है, यही हक है। और कह रही हो दूसरा अल्लाह के नबी नहीं है, नबी यही हक झूठ अल्लाह के नबी। और मैं कह दिया तो रात के अंदर जो है वो रजम कोई सजा ही नहीं है, यही हम यही सच है, 100% पक्की बात। आपने उनके ऊपर एतमाद किया है, ये जैसे आजकल आ ना लोग मुफ्ती साहब ने मसला पूछा भी, हमने जामा शर्फे से मसला ले लिया, बस यही सही है पक्के। वो भी अपने उलमा के ऊपर एतमाद किया बैठे हुए थे, वो इन माँ हम हाला के नहीं है वो इस बात में थी, जब भी नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो इनकार कर रहे हैं, इसके अलावा और मसाइल का भी इनकार कर रहे हैं, और मसाइल भी घड़े हुए हैं, और भी झूठ उन्होंने घड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर वो क्या हुजूर की नबूवत नहीं है, रजम कोई सजा नहीं है, और इसके अलावा जहन्नम की आग तो हमें छुएगी भी नहीं, टच भी नहीं करेगी, और थोड़े दिन हमसे थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, थोड़े दिन टच करने की छुएगी, उसके बाद बस हमेशा हमेशा की जन्नत है, और अंबिया हमारे बड़ों की सिफारिश करेंगे आप पर, जो उनसे कमियां को कमियां होंगी वो सब माफ। ये चीजें इन्होंने घड़ी हैं क्यों, और इन माँ हम ये जितनी चीजें हुजूर की नबूवत के लिहाज से वगैरह, इसके अलावा मिलना यस्ता ये तो ना हो, ये वो चीजें हैं जो इन्होंने घड़ी नहीं है, ये सब झूठ है जो इनके उलमा ने इनको बता दिए, उसके ऊपर एतमाद करके बैठ गए, हालांकि ये झूठ है, झूठ है नहीं है ये सारी बातें, इल्ला यज़ुन्नून, मगर ये गुमान के दर्जे में है, ये महज गुमान ही गुमान है, हकीकत और यकीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जो चीजें ये कह रहे हैं, जन्नत में तो हमें जाना ही नहीं है, अगर गए भी तो थोड़े दिन के लिए, नहीं या हुजूर नबी नहीं है या रजम सजा नहीं वगैरह वगैरह, या हमारे बड़े बख्शे बख्शाए हैं अंबिया उनकी सिफारिश करेंगे, ये जितने भी दावे कर रहे हैं, जितनी बातें कर रहे हैं, ये है दावे, और दावे के लिए दलील चाहिए, और दलील है ही नहीं। इन हम इन नहीं सब झूठ, सब फ्रॉड, सब दो नंबरी। क्यों? उसके पीछे कोई दलील मौजूद नहीं, वो दावा बगैर दलील के मौत। और अगर तुम कहते हो नहीं झूठ नहीं सच है, तो फिर हाथ तो बुरहा ना तुम दलील लेकर, और दलील कोई है नहीं। नहीं समझ आई? ये सिर्फ गुमान ही गुमान है, हकीकत के साथ और यकीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, ज्यादा कोई दलील नहीं, सिर्फ गुमान बनाए हुए हैं, तो झूठ के ऊपर जमे बैठे हैं, दलील कोई भी नहीं, सब झूठ। आइए नहीं आई कोई, और इन माहौल आगे नहीं है कि लोग अपनी बात में, कौन सी बात में, जख भी नबूवत नबी, तो ये जो उन्होंने झूठ बनाया हुआ है ना, और उन्होंने नबूवत का इनकार वगैरह, इसके अलावा वो चीजें जो आपके सामने देकर कर दें, माँ या कल या तो ना हो, जो इन्होंने खुद भर नहीं है, नहीं है इन बातों में, इल्ला या जुनून, मगर ये गुमान, ये महज गुमान ही गुमान है, दलील कोई भी नहीं, सच कुछ भी नहीं, हकीकत कुछ भी नहीं, हकीकत के साथ ताल्लुक ही नहीं, ये सब गुमान ही हुआ, महज गुमान है। क्या है मैं ये गुमान ही बंद, गुमान ही गुमान है, बोला इल्म लहुम, इनको कोई इल्म, इल्म किस चीज को कहता है, यकीन को, यकीनी बात कोई नहीं है इनके सामने, नहीं था बात, ये क्या है गुमान के दर्जे में,
और गुमान का एतबार नहीं, वो दलील नहीं, मिलन पक्की बात होनी चाहिए, पक्की दलील होनी चाहिए, वो इनके पास नहीं। ये फिर लौट गए, यहूदियों की बात चल रही है ना, 3 करोड़ जिक्र हो गए थे, ये उन्हीं यहूदियों का जो उनके उलमा और अखबार थे उनका जिक्र कर, तो वही लोग वही लोग का माना कर दिया। अशिद्दत अजाब नहीं कहा, अल्लाह ने वही लोग फरमाया शदीद अजाब है, किन यहूदियों के लिए, किन के उलमा के लिए, उन लोगों के लिए, لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب یعنی تورات لکھی ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور وہ جو اپنی باتیں تھیں وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر گھسا اور کہہ دیا ہر عالم عند اللہ، یہ حکم اوپر سے آیا ہے، نہیں سمجھ میں ان کے لیے عذاب ہے یا شدید عذاب ہے؟ شدید عذاب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ، اور وہ بھی جھوٹ اللہ کے بارے میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تورات میں دیا، حالانکہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو لکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تو چھوٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے؟ تو بڑا جرم ہے تو عذاب آنا چاہیے، شدید عذاب آنا چاہیے، پھر عذاب نہیں پھر غیلم ہے، شدید قسم کا عذاب ہوگا جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ مثال لوگ آتے تھے نا کہ بتاؤ تو صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، کیا کہتے تھے، اب ان کی کتابوں میں وہ کتاب لکھی ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اب اگر یہ ان کو دکھا دیں وہ تو کلمہ پڑھ کے مان لیں گے، ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا، اپنی طرف سے صفات کا اضافہ کر دیا اور کہہ دیا یہ دیکھو تو رات حضور کی صفات آتی ہے، یہ میں موجود ہوں کہتے نہیں موجود، اور نہیں موجود تو نبی ہے کہتے نہیں، یہ خلاقت شدید قسم کا عذاب ہے، تباہی ہے، دل کا ویسے معنی ہوتا ہے ہلاکت، اور ہلاکت اور سم کسے بولتے ہیں، بڑی تکلیف، بڑا عذاب ہے، شدید قسم کا عذاب ہے ان کے، ان کے لیے یکتبون الکتاب ابھی اپنے ہاتھوں سے تورات لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر کیا کہتے ہیں ہذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اوپر سے نہیں آئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کرنے کا، بلا وجہ یہ نہیں کرتے، لیشترو بھی ثمنا قلیلا تاکہ تھوڑے سے پیسے کما لو، تھوڑے سے فائدے حاصل کر لیں، یشترو نے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے فائدے حاصل کر لیں، لیشترو بھی ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسے حاصل کر لیں، لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے تو جسے گھر لیتے نا، رجم نہیں ہوگا، رجم ہے ہی نہیں، رجم کے بجائے انفا کر دیا اس نے کس چیز کا، توڑے لگیں گے، اور ایک اضافہ اور کیے یا اس کا منہ کالا کر کے اس کے چکر لگائے جائیں گے، رجم نہیں ہے، یہ تو رات میں اضافہ کر دیا انہوں نے، موشی نے لکھا، یہ اس طرح سے اضافہ ہے، مقصد کیا ہے، لیشترو بھی ثمنا قلیلا، یہ مقصد ہے، اعظم نے کہا کیوں، لیشترو بھی ثمنا قلیلا من الدنیا تاکہ تھوڑے سے پیسے حاصل کر لیں، تھوڑے سے پیسے، کہنے لگے اگر یہ لاکھوں بھی لے لیں تو وہ لاکھوں بھی آخرت کے اعتبار سے قلیل ہے، جو گوایا وہ بہت زیادہ ہے، جو کمایا وہ بہت کم ہے، تو اس آخرت کی طرف نسبت کریں، کل متاع الدنیا قلیل، تو ساری کی ساری دنیا بھی قلیل، کیونکہ یہ قلت یہ ایک اضافی شے ہے، اب لاکھ روپیہ کروڑ روپے کی طرح نسبت کرتے ہوئے کم ہے یا زیادہ ہے، اضافہ کرو نا، پھر کروڑ کی طرح نسبت کرتے ہوئے کیا ہے، کم، ورنہ فی نفسی ہی لاکھ زیادہ، کچھ بھی نہیں، ہمارے اوپر دادا جی علیہ رحمت کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، ہم سے بڑا احمد کون ہے، سے بڑا احمد کون ہوگا، ہم سے بڑا احمد کون ہوگا، 3 دفعہ جملہ بولا، جو کسی کی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کرتے ہیں،
कल अपने बच्चों के लिए करता है ना जी, तो बच्चों के लिए हराम हलाल एक कर देता है क्या? वो भी किसी की, एक तो दुनिया जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर, और दूसरा वो भी किसी की, और वो भी थोड़ी सी, किसी की थोड़ी सी दुनिया की, अपनी हमेशा की आखिरत बर्बाद कर दे, इससे बड़ा बेवकूफ। तो जो कमाया है आखिरत की तरफ मच्छर करते हुए बहुत कम, कुछ भी नहीं है। तो ये अक्सर हो गई, इसलिए जाते कि ये इसलिए यक्तबू मिलती कोई आईडी हिम तुम बोलो काहे के लिए, कहते ही अल्लाह का हुक्म है ऊपर से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला, थोड़े से पैसे कमा, थोड़े से क्यों, क्योंकि जो कमाया है वो बहुत कम है, जो गवाया है आखिर गवा दी है उसकी तरफ निस्बत करते हुए बहुत कम है। सारी दुनिया भी ले लेता मता दुनिया कलील, आखिर के मुकाबले में कम है, ये मकसद है, इसलिए करते बिला वजह नहीं करते, ताकि थोड़ा सा दुनियावी फायदा हासिल कर ले, मेरा दुनिया भी बढ़ाया ना। ये कौन काम करता था कि अल्लाह की किस पल्ले खुद से इजाफे करता था और अल्लाह के हुक्म को खत्म कर देगा? यही बदबख्त लोग थे यहूदी, वही मूल यहूद, उन्होंने हुजूर की सिफात जो आई थी आप में तब्दील कर दी, और अपनी तरफ से जो हुजूर में सिफात नहीं थी उनका इजाफा कर दिया। अब लोग पूछने आते थे ये वही अल्लाह के नबी है, हमारे कहते वो तो नहीं है, उनकी सिफात तो देखो ये आई है, और वो सिर्फ जिक्र कर दी, वो खुद बड़ी नहीं थी, लोग देखते कहते ये तो इनमें नहीं है, अल्लाह के नबी भी नहीं, इनके लिए बड़ी तबाही है, बड़ा आजाद है। तो एक तो ये बनवा दिया, और दूसरा मैंने आपको बताया था वो आयत रज में वो बढ़ा दिया, उसके अंदर भी तब्दीली पैदा कर दी, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे हमारे बड़ों की अम्बिया सिफारिश करेंगे, हमारे गुनाह सारे बख्शे बख्शाए, उनके गुनाह सारे माफ हो गए, ये सारी चीजें इन्होंने घर पर डाल दी है उसके अंदर। आए समय में वक्त और तौरात में इन्होंने ये चीजें लिख दी है ना उन जिला के खिलाफ, ना उन जिला कुछ और, अल्लाह जी कहते कुछ और दाखिल हुआ जिन्होंने बढ़ उसको कुछ और कर दिया, वही यार वो बदला दी है अल्लाह के बारे में झूठ, अल्लाह के बारे में झूठ, बड़ा जुर्म, बड़ा अजाब और बड़ी तबाही है उनकी। कल लोगों ने माशी लिखते हैं वही उनका माना किया है कि वैल एक वादी का नाम है जो जहन्नम के अंदर मौजूद है, ये उस वादी में जाएंगे, इनके लिए वैल है यानी वो जहन्नम की वादी है जो खास बड़े मुजरिमों के लिए बनाई गई, ये माना लेकिन मैं जो राजे तफसीर होगी जो राजे कौल होगा उसको जिक्र करूंगा, और राजे कौल यही है शदीद आजाब, जो इन्होंने अपने हाथों से इजाफे किए हैं ना, मिनल कई जिन बयानी है उसी को बयान कर दिया, इजमाल को दूर कर दिया, जो इन्होंने अपने हाथों से भरा इस वजह से, ये इल्लत है इस वजह से इनके लिए वैल है, शदीद आजाब है, बड़ी तबाही, बड़ी हलाकत है, किस वजह से इल्लत क्या है, ये अल्लाह के बारे में झूठ बोला, तो ये अल्लाह का हुक्म है बोलो मकसद क्या, ये करो भी कलीला रोशा, और तबाही और बड़ा आजाद है इनके लिए, निम्मा यक्षिबोन जो इन्होंने कमाया है, कमाने का क्या माना, मीनर रोशा ये रिश्वत की जमा है, जो घर कर गलत पत्रे देकर जो रिश्वतें ली है ना उस रिश्वत के ऊपर बड़ी तबाही है, बड़ा आजाब है, क्योंकि जुर्म बड़ा है आजाब भी बड़ा, समरल कलीला आ गया ना आखिरत जो कि हमेशा की थी उसको बर्बाद कर दिया, जो गवाया वो बहुत और जो कमाया वो कम, ये तबाही,
रिश्वत ले ली, थोड़े से पैसे ले लिए, लाखों में भी ले लिए हो, लेकिन आखिरत के एतबार से कम कुल मता और दुनिया खाली, इस वजह से बड़ी कदर हुई। अल्लाह के बारे में झूठ बोल, लूट आराम है तो अल्लाह के बारे में झूठो और बड़ा गिर। जैसा हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। अब बजाय इस आयत का माकबल के साथ कोई जोड़ और रास्ते नहीं। फिर एक बात जिक्र करने लगा हूँ आपसे, इसको पल्ले बांध ले, क्योंकि हर बात किताब में नहीं लिखी, कुछ बातें किताबों में हैं, किताबों से मालूम, कुतुब से मालूम होती हैं, और कुछ बातें कुतुब नुक्तों वाला पाक और तोय से मालूम होती है। अब इन्होंने क्या किया, बजाहिर माकबल के साथ रफ्त नहीं, आयत बेजोड़ है, ये खिलाफे पड़ता है, बेजोड़ हो नहीं रफ्त चाहिए। उलमा ने मुफस्सरीन ने जिंदगियां लगा दी है रफ्त बयान करने में, वो कुछ बेवकूफ थोड़े थे, जिंदगी अगर लगा दी है ये साबित करने के लिए बार रफ्त है लिहाजा फसली है, क्योंकि ये कमजोरी है बे रफ्त होने, तो क्या रफ्त तो कोई है ही नहीं, पीछे आ रहा था तो रास्ते जाते किए हैं, रिश्वतें ले जा रहे हैं, अब कह रहे हैं वो कहते हैं हमें आग नहीं छुएगी, बजाहिर रफ्त नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं कुरान बार रफ्त है, ये नुकता बयान करने लगा था, ये आगे जो पूरे कुरान में आपके काम आएगा। बार रब होने का माना ये है, जो अब अल्लाह तला बयान करवाया, बार रब होने का माना ये है कि अगली आयत का रब या माकबल आयत के साथ मौजूद है, या फिर माकबल आयत के साथ नहीं तो फिर शान नजूल के साथ मौजूद है, किसी एक के साथ रब होगा। इसकी मिसाल हजरत ने दी, तो मिसाल ऐसे है, सारी पढ़ा रहे हैं कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, बच्चों पढ़ रहे हैं, चल रहा है सिलसिला कुरान मजीद का, तलफ्फुज़ ठीक करो, पास मोटा करो, सलसला करो, कुरान के बारे में बात बारह पे है, ये कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान के बारे में बातें हो रही है। नहीं सर, पढ़ाते पढ़ाते टेंशन ने कहा बेटा नाक में कुरान पढ़ते हुए उंगली नहीं डालते। अब कोई कहे तो कुरान पढ़ा रहे हैं, नाक में उंगली डालने का कुरान पढ़ाने का ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो बेरहत बात है, तो क्या कहेंगे, इसका रब तो कुरान के साथ तो नहीं है, इसका रब शाने नज़ूल के साथ है। बच्चे ने उंगली डाली, ये वाकया पेश आया, तो कारी साहब ने कह दिया, ये ना पेश आता कारी साहब ना कहते, वही उसी तरह तसल्सुल के साथ काम चलता रहता, तो काम चल रहा था, वाकया पेश आ गया, वाकया क्या पेश है। उन्होंने कहा हमारे जो बड़े हैं या यहूदी जो हैं, जो भी हैं यहूदी, वो जहन्नम में जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे भी ना, ये कब कहा, जब हुजूर से फरमाया उनकी शरारतें जिक्र की ना, हमारा जहन्नम इनका इंतजार कर रही है, ये पक्के जहन्नमी है, ये हुजूर ने फरमाया, और उसके जवाब में कहा लम तमस्सुहन्नार बात, जहन्नम में जाना दूर की बात है, हमें तो आग नहीं छुएगी, और अगर बिलफर्ज कोई चला भी गया तो वो थोड़े से दिन के लिए जाएगा, इल्ला अय्याम मादूदा, थोड़े दिन से मुराद ये 40 दिन के लिए चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जुर्म जो था वो 40 दिन का ही था, जुर्म जो बड़ा जुर्म था वो क्या था, कि जब मूसा अलैहि सलाम वअदना मूसा 30 लैला वो अतममनाहा बिअशरिन, 40 रातों के लिए बुलाया था ना कोहे तूर पर, आओ और तौरात ले लो, तो पीछे इन्होंने क्या कर दिया था, बछड़े को महबूद बना लिया था, कितने दिन काम चलता रहा था, 40 दिन, वो तो जुर्म हुआ था भला, 40 दिन अगर ये दे नहीं तो वो 40 दिन ही अजाब होगा, इतना पड़ेगा इसके अलावा नहीं, इल्ला अय्याम, तो पक्के जन्नती हैं अंबिया ने सिफारिश। कब कहा, जब हुजूर ने जवाब पक्के जन्नती, उन्होंने कहा पक्के जन्नती, जब उन्होंने कहा ना पक्के जन्नती हैं, ये भी जो थोड़े दिन के लिए जाएंगे, ऐसा इसका ताल्लुक किसके साथ होगा, शान नज़ूल के साथ, हाँ खबर से शान नज़ूल क्या था, हुजूर ने फरमाया पक्के जन्नती, उन्होंने कहा पक्के जन्नती, तो शान नज़ूल के साथ जोड़ है माकबल के साथ में,
नाक पर उंगली ना डालो ताल्लुक माकबल के साथ नहीं, तो ताल्लुक शाने उंगली डाली वाकया पेश है, उंगली नहीं डालते कुरान पढ़ते, ताल्लुक किसके साथ हो गया शाने नजूर का, इसका ताल्लुक भी किसके साथ है शाने माकबल के। तो ये जो हम कहते हैं बार आपसे हजरत के अल्फाज हैं, या माकबल के साथ या शाने नजूर के साथ, यही वजह है कि मुफस्सिरीन शाने नजूर बयान करते। जरूरत क्या पड़ी है शाने नजूर बयान करने की, वो दरअसल रब्त बयान कर रही है। ये बात मैंने कुतुब उनसे सुनी, मौलाना और इसी अंदाज में सुनी है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, इसीलिए शाने नजूर बयान। क्या हुआ, बात यह है, आप यकीन जाने मौलाना नूर रहमतुल्लाह ने, अल्लाह सुब्हान ने जब मुझे मुझे अलग से भी फरमाया, साथी भी पढ़ता था, क्लास में भी फरमाया, कहने लगे ये इल्म दीन में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है, ऐसी बरकत रखी है, ठीक थोड़ी बहुत भी अगर इस्तेदाद हो तो इस सीट पर अगर बैठता है ना, अल्लाह वो शुमार नहीं करती। कहने लगे आप यकीन जानो मैं मुताला सबक पढ़ाने से पहले दो, ये हजरत ने फरमाया था मुझे, उसके बाद मेरी भी कोशिश यही होती है कम से कम दो दफा मुताला, एक दफा रात को मुताला और एक दफा सुबह सबक पढ़ाने से पहले मुताला, हजरत फरमाते दो दफा। पांच बातें ऐसी होती हैं जो हजरत मान लगे जो दो दफा मुताले के बाद भी समझ में नहीं आती। अब मेरे जेहन में बात होती है अगर तालिबे ने एक सवाल कर लिया तो क्या जवाब देंगे, बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी गुल है, जो आप समझ आने जा रहा। कहने लगे आप यकीन जा रहा, यकीन जा रहा, जब इस सीट में आके बैठता हूँ तो वो बातें भी याद आ जाती है जब 50 साल पहले साथ में जाने, ये बस ये अल्लाह को। और ये जो हजरत से मैंने अगर पढ़ा भी था तो 30 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, लेकिन लेकिन बाज बातें वो हैं कि जो 25 साल 30 साल पहले पढ़ी थी वो अल्लाह इसकी बरकत से जेल में डाल देते हैं, नहीं समझ रहे। हालांकि मेरा हाफजा भी बड़ा कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद कि हमारा तो कोई कमाल है ही नहीं इसमें, असल तो बरकत उन हजरात की है। जैसे मौलाना वाले सर हम लोग कमाते थे ना, मैं तो दो रोज मुताला करता हूँ, मैं मुताला ही नहीं करता हूँ, और कहने लगे कि ये हजरत थानवी की दुआ है, ये बड़ों की दुआ है जिस वजह से जारी चल रही है, वरना मेरे टाइम नहीं जाने का एहसान है। तो अपने मुंह कभी टिकट जा रहा हूँ जाने के काम देते थे, टाइम ही नहीं है मुताले का, बगैर मुताले की गाड़ी चल रही है, ये सिर्फ हजरत थानवी की दुआ है, मेरा वही कमाल। अरे सर हजरत की जो है ये हजरत की बरकत है, एक नस्बत की बरकत है, वरना हमारा कोई कमाल नहीं। यहाँ ये हजरत ने बयान किया था। बहरहाल ये नुक्ता हमेशा के लिए याद रखना, मुझे बहुत काम आया है। वकालू उन्होंने कहा, लेकिन जो कहा उसका माकबल के साथ रब का ताल्लुक कोई भी नहीं है, और बेरब अल्लाह की कलाम हो नहीं सकती, ताल्लुक और रब चाहिए, रब किसके साथ है शर, इसलिए शर उन्होंने कहा, लेकिन कब कहा, लम्मा वअदहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा, जब हुजूर ने जहन्नम की वाहिद उन्हें सुनाई, तुम पक्के जहन्नमी हो, यहूद को था शाने रोल आया नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहा इसके जवाब में, उन्होंने कहा इसका ताल्लुक इस शाने रोल के साथ है, उन्होंने क्या कहा, लंग तमक्ता नाम लंग लेकर है, हरगिज हरगिज आग में जाना दूर की बात है, वो छुएगी भी नहीं, मस भी नहीं करेगी हमें, आप कह रहे हो हमें जाना पड़ेगा इल्ला अय्या, और हमेशा के लिए जाना, हमें आग छूएगी भी नहीं, इल्ला अय्या मम्मा, मगर अगर छुआ भी तो चंद चंद दिन से मुराद 40 दिन, और वो क्यों, क्योंकि वो जो बछड़े की बात वो एक बड़ा जुर्म था, वरना तो माफी माफ पक्के जन्नती, हम ही जन्नत में जाएंगे। ये कौन कहता था, ये जब उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के बाद, तो अल्लाह ने आगे जवाब दिया, ये जवाब भी अल्लाह ने खुद दिया, अल्लाह ताला जवाब दिया, हुजूर से फरमाया आप जरा इनसे पूछिए, और इनसे जरा पूछिए
ये जो कह रहे थे मैं आग हमें छुए भी नहीं, हम पक्के जन्नती हैं, क्या कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास? क्या कोई दलील मौजूद है? क्योंकि दावा बगैर दलील के मोहतबर नहीं है, तो कोई ठोस दलील है? एक तो वो झूठी सी बातें हैं जो तुमने खुद से घड़ी नहीं है, गुमान ही गुमान है। कोई दलील है, कोई वही आई भी है कि अल्लाह ने तो तुमसे वादा कर लिया है कि तुम्हें जहन्नम में जाने ही नहीं दूंगा, जहन्नम की आग तुम्हें छू कर भी नहीं निकलेगी, है ना, छुए भी नहीं, उसकी हल्की सी हरारत भी हमें महसूस नहीं होगी, ये माना है, छुए भी नहीं, हल्की सी हरारत भी हमें महसूस नहीं होगी। क्या कोई वही आई है? क्या तुम्हारे पास कोई दलील मौजूद है कि अल्लाह ने ये वादा किया हुआ है? अल्लाह ने वादा किया हुआ है, और फिर जाहिर है अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लिहाजा जहन्नम की आग को मैं छुएगी भी नहीं। कोई दलील मौजूद है कि अल्लाह ने वादा किया हुआ है? वादा किया तो जाहिर है अल्लाह का वादा, अल्लाह तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, फले युखलिफ अल्लाह वादा। तो ऐसी अगर कोई दलील मौजूद है तो वो दलील पेश करो, क्योंकि तो दलील के बगैर तो दावा मोतबर नहीं है। है? या फिर अम तकोलो ना अल्लाह हिमाला, या अल्लाह के बारे में लोग यूं बोल रहे हो? अगर सच बोल रहे हो तो फिर दावे के लिए दलील चाहिए, दलील पेश करो, और अगर दलील नहीं है तो झूठ बोल रहे हो, और दलील तो नहीं है, एक बातें ही बातें हैं ना, जो बड़ों ने बतला दी तुमने, या ये तुमने खुद से लिख ली उसमें तौरात के अंदर, तुम कोई दलील पेश करो। अरे तो फरमाते थे कोई तौरात से ही दलील पेश कर दो, अरे किसी किस्म की कोई दलील, और दलील कोई भी नहीं, नहीं तो कि आप छुएगी भी नहीं, देख लें लन तमक्षा को इल्ला चंद दिन, और चंद दिन कितने कलील अटन, कितने कम दिन, अय्याम मादूदा माना थोड़े से, चंद दिन, चंद का माना कलील कर दिए, चंद दिन अगर छुएगी तो चंद दिन, चंद दिन कितने, अरबाईना यौम, वो क्यों मुद्दत अबाइमुल, वो जो हमारे बड़ों ने बछड़े की पूजा की थी ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर चले गए थे, तो बस इतने ही दिन आग छुएगी, इसके अलावा ये एक बार, वरना वो बख्शे बख्शाए। और ये जवाब आ गया अल्लाह के दे, आप इनसे फरमाइए इन यहूदियों से, नहीं कुल का मुखातब कौन है, उन लहू इन यहूदियों से फरमा दीजिए आप, अब सफल तुम, क्या चीज है सफल तुम, कौन सा बाब है, बाबे ख्याल तो इतफल तुम होना चाहिए, अब सफल तुम इतफल है, यह सफल इस्तेफाद है, हमजा इस्तेफाद है, असल में था अ इत्तखज़्तुम, एक दूसरा हमजा वसली, पहला इस्तेफाम, तो वसली करा दिया तो अ इत्तखज़्तुम, क्योंकि वो वसली था ना, कि साकिन से इब्तिदा हो नहीं सकती थी, मजबूरी की वजह से हमजा वसली आया था, तो जब शुरू में हमजा इस्तेफाम आ गया तो मजबूरी खत्म हो गई, तो अ इत्तखज़्तुम से क्या हो गया, अ इत्तखज़्तुम, उससे पहले कुछ आ जाएगा तो हमजा वसली गिर जाएगा ना, तो गिर गया, अभी शुभ करे गिराना ही था तो वो इसके काम को गिरा रहे थे, इस सफल तुम्हारे को बाकी रखते, इस वकली ये था, वो तो कसा ही है, वो नहीं देख सकता, उन अब तक क्या तुमने कोई वादा, क्या कहा, तो रिफा में नो हम कतुल वकली, हमने बच्चों को गिरा दिया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, इस्तेगना शुरू में हमारा इस्तेमाल आ गया, ये तो साकिन से इब्तिदा नहीं, मजबूरी की वजह से, वो मजबूरी खत्म हो गई, तो फिर हमजा जो इस्तेमाल का शुरू में आ गया इसको गिरा दिए, ये जो तुम कह रहे हो हम जहन्नम हमें छुएगी भी नहीं, या चंद दिन के लिए अगर जाएंगे तो जाएंगे, क्या तुमसे अल्लाह ने कोई वादा किया होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी बात हो गई है अल्लाह से, तो वही आई है, वादा हुआ हुआ है कि अल्लाह वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, तो दलील पेश कर दो, दलील के बगैर तो दावा मोतबर नहीं है, तो आहदन का माना करें, मीसा कम मिन, हो क्या इस किस्म का कोई पक्का वादा हुआ हुआ है,
कि अल्लाह वादे की मुखालफत नहीं करेगा, वो जाहिर है अल्लाह वादे की मुखालफत नहीं करता, लेकिन वादा हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो दलील पेश कर। कहाँ लिखा हुआ है ये? जैसे भाई तो रात में नहीं लिखा हुआ, तो दलील क्या है? सब जो बगैर दलील के दावा मोतबर नहीं। अल्लाह ये ला क्यों बढ़ाया? हाँ? इस्तेमाल इंकार के लिए है। इस दखल तुम वाले, क्या कोई वादा हुआ है? माना कोई वादा नहीं, सब झूठ बोलते हैं। इस दावे के ऊपर कोई दलील मौजूद नहीं है, कोई ठोस दलील मौजूद नहीं, और बिला दलील दावा मोतबर, और अगर है तो हाथ क्यों बुरहाना तुम दलील पेश करो? तो दलील नहीं, लिहाजा कोई वादा नहीं। शकल में इस्तेमाल है, माने में इंकार है, तोड़ा नहीं है, लिहाजा झूठ बोलते हैं। हम के बाद बल बढ़ा दिया, इशारा कर दिया, ये हम आतिफा नहीं है, ये हम बल के माने में है। क्या कोई वादा किया था अल्लाह ने तुम जहन्नम में नहीं जाओगे? फिर अल्लाह उस वादे की मुखालफत नहीं करेंगे? जाहिर है अल्लाह तो वादे की मुखालफत नहीं करते। क्या कोई वादा हुआ था? अम तकूलूना, ये हम किसके माने में? क्या ना वादा नहीं, इसमें बल्कि, ये बल मैंने किसका माना किया? बल्कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम मैं दलील। ये बल वाला माना आ गया नहीं आ गया? या वाला तो माना ही नहीं बनता। ये कहते हो या ये बल्कि अल्लाह फरमा रहे हैं, बल क्या है? तकूलूना हुआ इमाला, जानते नहीं, झूठ बोलते, ये सही बात नहीं। ही बात बल्कि ये है, बला आग तुम्हें छुएगी, और न सिर्फ छुएगी, तुम जहन्नम में भी जाओगे, और न सिर्फ जहन्नम में जाओगे, हम सी हा खालिदून, हमेशा हमेशा उस जहन्नम में रहोगे। ये बात सही है, इसके ऊपर दलील मौजूद है, इसके ऊपर दलील मौजूद है, यही बात सही। तुम्हारा वाला झूठ, उस पर कोई दलील मौजूद। बला, जी हाँ जी हाँ, क्या है? तमस्तुकुम वतखलुदून फीहा, तुमको आग छुएगी, वतखलुदून, तुम खुलूद, हमेशा हमेशा इस जहन्नम में रहोगे, क्योंकि इसके ऊपर दलील मौजूद है। दलील क्या है? वही मौजूद है। कौन सी वही? मन कसब सैयअतन, जो जिसने गुनाह किया, गुनाह से मुराद में शिर्क, क्योंकि हमेशा हमेशा की जन्नम तो या शिर्क या कुफर के ऊपर ही है ना। शिर्क किया तो बछड़े को मबूत तो बनाया था, शिर्क तो किया था, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी कहते हो, शिर्क तो हो गया। नहीं, जिसने शिर्क किया, गुनाह किया, वह अहाप भी खतीअतुहु, और उसके गुनाह ने उसको घेर लिया, गुनाह मुहीत बन गया उसका इहाता करने वाला। जब गुना मुहित हो गया तो ये शख्स क्या हो गया जो गुना करने वाला? मुहाप, इसका याता कर लिया जो, वो शख्स जिसने गुना किया और गुना ने उसको घेर लिया, हर तरफ से घेरा डाल लिया, यानी हर तरफ गुना ही गुना। जब हर तरफ से घेर लिया तो हर तरफ उसे दिल भी आ गया, दिल में को भी गुना ने घेर लिया, यानी शिर्क वाला गुना भी आ गया। तो ऐसा शख्स मन कसब सैयअतन व अहाता बिही खतीअतुहु फऊलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नम में जाएंगे, और जाएंगे नहीं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। छुएगी नहीं, तुम जहन्नमी हो, पक्के जहन्नमी हो, इसी पर दलील और वही मौजूद, और हमेशा उसमें रहो। सही बात ये है, वो झूठ बोलते हैं, उसके पास कोई दलील ही मौजूद नहीं। ये जन्नती नहीं, जन्नती वो है, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वामिलु स्सालिहात, और नेक आमाल। अच्छा जी, पहले इसी को देख लो, वह अहाता बिही खतीअतुहु बिल इफ़रादी, खतीअ मुफ़रद जमा भी, इस पर दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है, ये जमा भी खतीअतुहु, ये भी है खतीअतुहु, दोनों दोनों किराते मौजूद हैं। क्या माना? गुनाह ने गलबा पा लिया इस पर। इहाता का क्या माना?
गुनाह ने इसको घेर लिया, माना गुनाह ने गलबा पा लिया इसके ऊपर, हर तरफ गुनाह ही गुनाह। वो अहदकत भी क्या माना, गुनाह आम मत आम हो गया, इसके हर तरफ फैल गया। तो जब हर तरफ फैल गया, हर तरफ में तो दिल है, तो दिल में भी फैल गया, तो दिल में फैल गया तो शिरक आ गया। तो मैंने शिरक भी किया, हर तरह का गुनाह किया, शिरक भी किया, कुफर भी किया, मिन कुल, ये गुनाह आम हो गया, गालिब आ गया हर जानिब। क्या ना, उसने इसको घेरे रखा, इस अंदाज में घेरे रखा कि ये गुना मुहित बन गया, ये मुहात बन गया, और मुहात उस इहाते से बाहर नहीं निकल सका, हत्ता कि उसकी मौत ही शिरकी हालत में आ गई। ये अन्नमात मुशरिकन, जो शख्स ऐसा हो ये जहन्नमी है और हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। इशारा कर दिया, ये कलमा पढ़ लिया, जैसे अब्दुल्लाह सलाम रजी अल्लाह ने कलमा पढ़ लिया था, तो वो इसमें दाखिल नहीं है। वो जिसको घेर लिया, गुना गालिब आ गया, मौत तक उसने नहीं छोड़ा शिर्क में, मुश्रिक होने के, ये हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। और वल्लदीन आमनू वामिलुस सालिहात, ये जन्नती हैं और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। आई समय, ये इनकी शरारतें चल रही है, ऐसे बदबख्त और गलीज किस्म के लोग हैं। अरे शेख मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दुनिया, अगर कायनात के गलीज तरीन अगर कोई काफिर है तो वो यहूदी है। शरारतें आपने देख ली, इतना गलीज काफिर कोई भी नहीं। ऐसा अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले बहुत सारे बच्चे मुशरिकीन ने मक्का ने कलमे पढ़ लिए थे, ईसाई बेशुमार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले, मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में ईसाइयों को तो हमने कलमा पढ़ा लिया, लेकिन एक यहूदी हमारे पास नहीं आया। हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई तो लातादाद आए। हमारे यहूदी हुजूर पर ईमान नहीं लाए, हमारे ऊपर क्या ईमान लेकर आएंगे? चंद यहूदी थे, ये 8, 10, 12 जिनको हम अपनी इन उंगलियों पर गिन सकते हैं, इसके अलावा ये हुजूर पर ईमान नहीं। इतने बदबख्त, अरे अपने नबी को नहीं माना, मौजदात उतरते हुए देख रहे हैं, 12 रास्ते निकल गए, मनोसलवा आ रहा है, बादल आ रहे हैं, 12 चश्मे बांधे, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी ईमान में, फिर भी शरारतें चाली, हुजूर पर कैसे ईमान? मेरे आपके कहने पर कैसे लगे? पहले मुझे समझ नहीं आती, ये उस वक्त बात होती थी, ये जो खातून है ये इमरान पर कैसे ईमान लेकर आएंगे? यहूदी थी ना वो जमाई मजदूर, ये समझ नहीं, जो हुजूर पर ईमान नहीं है उसके ऊपर ईमान लेकर आ गई। ये हजरत के पास है, तो इनकी सख्ती बयान करते थे, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये तो बड़े पक्के लोग हैं, बहुत ही बदबख्त लोग हैं, ऐसा कोई नहीं हो।